The big story all day today has been the situation in Himachal after the rain hit the hill state. Well, it's just the onset of monsoon and we're already witnessing what some might call chaos, with many tourists being stranded there. There's a flash flood warning, a landslide warning there as well. I'm being joined by Onkar Sharma, a very special guest, Principal Secretary of Himachal Pradesh, to speak to us about the situation. So thanks very much for speaking to us here on NDTV. Sir, सबसे पहले ये बताइए कि अभी अभी ये मॉनसून का ऑनसेट है ये, और अभी कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू हो गई हैं कि टूरिस्ट काफी जगहों पर स्ट्रैंडेड हैं, फ्लैश फ्लड्स की वार्निंग है, लैंडस्लाइड. तो कितना तैयार है हिमाचल, क्या प्रिपेयर्ड है अपने टूरिस्ट के लिए, खासकर ये इस साल की रेन सिचुएशन से डील करने के लिए? देखिए, हमने मॉनसून से तैयारी के लिए एक हमने बहुत बड़ी बैठक की थी 21 जून को. जितने भी लाइफ डिपार्टमेंट्स हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, एसडीआरएफ, सब लोगों के साथ और हमारे जिलाधीशों के साथ बैठक की थी. इस साल जो है मॉनसून में लगभग एक किया है और पिछले 3 दिनों से भारी बरसात हो रही है. अभी तक हम लोगों ने अपने जो एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के लोगों को प्री पोजिशन किया है. उसके साथ अलावा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और बाकी हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट है उनकी भी तैयारियां हैं. लेकिन पिछले 3 दिनों में भारी बरसात होने की वजह से लगभग 6 लोगों की जान चली गई है और उसमें 10 इंजरी हुई है और 300 जो हमारे जो पशुधन है उसका नुकसान हुआ है. बहुत सारी सड़कें हमारी जो जगह जगह से रुकी है. 300 के आसपास हमारे जो मेन रोड है और लिंक रोड है वो डिसरप्टेड है, जिसमें से लगभग 80 के आसपास आज ही ठीक कर दिए जाएंगे. उसी तरह से हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई भी कई जगह पे बाधित हुई है. लेकिन जो कंसर्न विभाग जो है वो सब जगह से मुस्तैदी से तैनात है और वो जी शर्मा जी, एक बात ये बताइए, हमने कई वहां पर जो स्ट्रैंडेड थे टूरिस्ट उनसे भी बात करने की कोशिश की. उनका ये कहना है कि जो मेन हाईवे है वहां पर इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम है और कोई संभावना ऐसी नहीं नजर आ रही है कि अभी ये क्लियर होगा. तो ये कहीं ना कहीं हर साल की कहानी बन गई है कि ये जो रोड्स जाम हो जाती हैं और लोग वहां पर फंस जाते हैं जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं. तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, मतलब कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स इसके लिए क्या लिए जा सकते हैं कि ट्रैफिक मूवमेंट एटलीस्ट स्मूथ हो जाए इनकी हाईवेज पर एटलीस्ट? स्पेशली यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट जो हमारा मंडी और चंडीगढ़ से मनाली का हाईवे की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे हाईवे का काम लगा हुआ है रोड पे, इसलिए वहां पे ज्यादा स्लाइड आए हैं. वहां से उसको बाईपास करने के लिए 2 हमारे पास अल्टरनेटिव रोड है, उसमें भी एक में फ्लैश फ्लड आया था, उसकी वजह से दिक्कत है. और सारी ट्रैफिक जो छोटा सा एक हमारा बाया चार चौक का जो रास्ता है उसपे जो ट्रैफिक डाइवर्ट हुई है, अभी ट्रैफिक भी जा रही है, इसलिए वहां पे थोड़ा ट्रैफिक की मूवमेंट में कमी आ रही है. लेकिन वहां के लिए हम लोगों ने स्टेट पुलिस फोर्स का और एसटीआरएफ को तैनात किया है, जो कि अभी उसको वेट कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो है यूज आउट हो जाएगी और हमारा जो अल्टरनेटिव दूसरा बाया पराशर जो रोड है उसमें भी हम रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ताकि उनका शर्मा जी, एक आखिरी सवाल बहुत जल्दी, ये बताइए कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कहीं ना कहीं हम हर साल देखते हैं, ये हजारों करोड़ों रुपए का जो ये है नुकसान होता है कहीं ना कहीं हिमाचल को, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान ये जो हर साल हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो किस तरीके से, मतलब हर साल क्यों हम ये देखते हैं? देखिए, जब जहां पे हिमाचल ज्यादातर ट्रैफिक की भी डिसरप्शन होती है, नेशनल हाईवे के जगह जगह से काम चले हुए हैं, उस वजह से जो है टूरिस्ट का स्टैंड होने का जो चांसेस बनते हैं, जब भी कोई जो हैवी रेनफॉल होता है तो वहां पे लैंडस्लाइड होते हैं. जहां तक क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, हम मिटिगेशन फंड के तहत भी जो है बहुत जगह पे जहां जहां हमें वल्नरेबल पॉइंट लगते हैं वहां पे जो मेजर्स लगा रहे हैं. जब वो डेवलपमेंट के कार्य चलते हैं, स्पेशली नेशनल हाईवे के बहुत जगह पे सारे कार्य चले हैं, तो वहां जो लोकल जो हमारा जो स्टेटा है वो थोड़ा टफ होता है. जब कभी भी हैवी रेनफॉल होता है तो उसमें लैंडस्लाइड हो जाते हैं, इसी तरह से ट्रैफिक डिस्टर्बेंस होती है और जो हमारे टूरिस्ट विदाउट. जी उनका शर्मा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड वी सिंसियरली होप दैट दोज स्ट्रैंडेड टूरिस्ट आर एक्चुअली बैक होम सेफ एंड द सिचुएशन डज नॉट वर्सन इन द डेज टू कम.